राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी है माउंट आबू। अंग्रेजों के जमाने में एक स्वैग हुआ करता था माउंट में छुट्टियां बिताने का, और यहाँ की कहावतों में भी प्रचलित हुआ कि उनाले आबू बलो, यानी कि गर्मी में आबू जो है वो स्वर्ग जैसा है, मोर बोले आबू रे पाड़ा में। और आज हम आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू की एक ऐसी हकीकत जिसे छुपाने में सरकारें पूरी शिद्दत से कोशिशों में जुटी हैं लंबे समय से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की। यहाँ एक अनूठा गठबंधन नज़र आता है, राज्य और केंद्र सरकार के जो भी एजेंसीज हैं जो कि पर्यावरण नियमों को लेकर मानदंड तय करती है, उनको लागू करवाना तय करती है। माउंट आबू में बन रहा ये एक पैलेस होटल आप देख सकते हैं, लिम्बड़ी कोठी इसका नाम हुआ करता था। आगे जाके हो सकता है कि किसी 5 सितारा होटल संचालन करने वाली कंपनी के पास ये जाए। माउंट आबू के इस इलाके के जो विधायक हैं समाराम गरासिया, उन्होंने 2021 में एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि इस इलाके में जहां एक ईंट का पत्थर लगाने की किसी को अनुमति नहीं है, ऐसे में यह पूरा का पूरा होटल कैसे बन रहा है। इस माउंट आबू को अगर अपन पूरा पूरा देखें तो ये 4 से 5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पर आपको जान के हैरत होगी कि करीब 1 दशक से भी लंबे समय से यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। यहाँ आप अगर 1 किलो बजरी भी, 1 किलो सीमेंट भी अगर अपनी गाड़ी में लाते हैं एक ईंट लगाने के लिए तो जब्त हो जाएगी, लेकिन सीवरेज के नाम पे आने वाले सीमेंट से किस तरह से एक होटल खड़ा हो गया है। आप पूरा ये 5 सितारा होटल होगा, ये कोई समय में पूर्व राज परिवारों के समय में, रजवाड़ों के समय में लिम्बड़ी हाउस हुआ करता था, लिम्बड़ी कोठी के नाम से पहचाना जाता रहा, अलग अलग तरीके से बिका, और अब सरकार के खासम खास लोग इस होटल के निर्माण में जुटे हुए हैं। इसको लेके कई बार समाचार सामने आते हैं, कई नेता ट्वीट करते हैं, ट्वीट डिलीट हो जाते हैं। इस मामले को लेकर जब स्थानीय सांसद से भी एक बार पत्रकार ने पूछा तो उनका कहने का था कि जो बना रहे हैं, जिस पार्टी से वो संबंध है, उनका हमारे से भी काम पड़ता है। ये सीधे तौर पे यह दिखाता है कि माउंट आबू जो कि इको सेंसिटिव जोन का हिस्सा है, जहाँ पे पर्यावरण आबू जो है वो यहाँ पूरे गोडवाड़ अंचल का फ्लोरा एंड फौना तय करता है कि किस तरह से यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जो केंद्र सरकार के कानूनों के आधार पे जो ये गाइडलाइन तय हुई है ESZ की, उसकी किस तरह से यहाँ धज्जियाँ उड़ती है। मैं साथ ही तरुण को बताना चाहूँगा कि जो निचले इलाके हैं उन पर कैमरा ले जाए, वहाँ पर आप देखेंगे कि कच्ची छतों वाले मकान हैं, आपको पुराने पत्रे नजर आएंगे। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कभी उनको अनुमति दे और ये पक्की छत डलवा सकें अपने घरों पे, और अपने आने वाली पीढ़ियों और बच्चों को एक पक्के मकान में रहने का आसरा दे सकें। ये आबू के मूल निवासी हैं। आबू के अंदर करीब 8 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ओरिया समेत कई ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम पंचायतों की स्थिति यह है कि वहां पर शौचालय तक नहीं बना पा रहे हैं कई लोग। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन लागू होने के कारण और UIT होने के कारण एक बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि लोगों को अगर निर्माण के लिए कुछ अनुमति लेनी है तो आपको इस तरीके से ये सरकारी सिस्टम के अंदर उलझना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा 5 सितारा, करीब बताया जाता है सैकड़ों कमरों का ये होटल है, इसमें कमरों की संख्या करीब 300 बताई जा रही है, अब कितने हैं वो देखने वाली बात है। अंदर जाना मना है, वहाँ इजाज़त नहीं है, लेकिन होटल बन रहा है, बदस्तूर बन रहा है, और आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और इस होटल के बराबर ही सामने कम ऊंचाई पर राजस्थान का राजभवन स्थित है। राजस्थान के राज्यपाल भी यहाँ साल में 1 महीने रुकते हैं। ये राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजस्थान के राज्यपाल क्या इधर नजरें इनायत करते हैं कि यह मेरे नीचे के इलाके में कुछ लोग जो रहते हैं, जो कच्ची छतें हैं, जिनकी पक्की छतों का इंतजार कर रहे हैं, पत्रे डाल के रह रहे हैं, और वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी हो रही हैं। माउंट में अब होटलों की संख्या 250 को पार कर चुकी है, और यह जो प्रकृति की नेमत है, यहाँ पे जिस तरह से प्रकृति ने अपना असीम प्रेम असीम दौलत लुटाई है इस इलाके में कि, और इसका दोहन नहीं हो, पूर्ववर्ती व्यवस्था में ही यहाँ संचालन कर सकते हैं जैसे कि आज़ादी के वक्त था, और यहाँ अतिक्रमण भी खूब हुआ है और इस तरह के निर्माण कार्य भी। आम व्यक्ति को इजाज़त नहीं है, अगर आप खास हैं सरकार के सरकारों के तो आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। सीवरेज के नाम पे आने वाली बजरी से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या सीमेंट कैसे आई होंगी, या रंग रोगन का सामान आया होगा, लेकिन अधिकारियों की आँखें न तो खुली और न ही उनके कानों में कोई जूं जैसा रेंगने का एहसास भी हुआ। तो हम आपको बता रहे हैं कि माउंट आबू का यह जो लिम्बड़ी कोठी बन रहा है, क्या यह पर्यावरण के नियमों के अनुकूल है, या इसमें किसी तरह की रिबेट
केंद्र या राज्य सरकार ने इस संस्थान को या इस निर्माण कंपनी को दी है कि वो यहाँ पे इस तरह का निर्माण करे। तो आबू को बचाना है, अगर माउंट आबू एक सुरम्य प्राकृतिक सुरम्य स्थल बना रहे, इसके लिए यहाँ पर्यावरण नियमों कायदों की पालना बेहद ज़रूरी है। और उनकी उनका हश्र क्या हो सकता है, ये हम सीधे तौर पे माउंट आबू में देख सकते हैं। कैमरा पर्सन तरुण जांगड़ के साथ मैं प्रदीप बिदावत, थिंक 360 माउंट आबू से।